हेलो फ्रेंड्स, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पार की श्रद्धा में। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो पूरा आप देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये हमारे भैया और भाभी हैं, इनके यहाँ आज गृह प्रवेश की पूजा हो रही है और नोएडा में ये लोग रहते हैं। यहाँ पर मैं भाभी और भैया का गठबंधन कर रही हूँ और कोई भी पूजा करने से पहले महावर लगाया जाता है, तो भाभी भूल गई हुई थी तो वहीं पे ही उनकी दीदी हैं, वो नेल में वही लगा रही हैं। यहाँ पे सब फैमिली के लोग और रिलेशन के सब लोग बैठे हुए हैं। अभी धीरे धीरे सब लोग आ ही रहे थे। और इधर ग्रीन साड़ी में मेरी मासी हैं, उनके बगल में मेरी भाभी की दीदी हैं और येलो कुर्ते में मेरी मासी की लड़की है। यहाँ पर जब कथा होता है, सत्यनारायण की कथा हो रही थी, कथा वगैरह होता है, तो यहाँ पे पता नहीं क्या ये ऐसा होता है कि रक्षा सूत्र वगैरह बांधा जाता है, तो वही मैं बांध रही थी। सबको टीका किया जाता है और रक्षा सूत्र बांधा जाता है, तो मौसी वही बोल रही थी कि तुम सबके कर रही हो, लाओ मैं अब तुम्हारे कर दूं। बगल में यहाँ पे भाभी के साइड में यहाँ मम्मी बैठी हुई है मेरी। बहुत खुशियों भरा दिन होता है गृह प्रवेश का दिन। ये वही समझ सकता है जो रेंट पर रहता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि और खुशियों भरा दिन का माहौल था। यहाँ अभी आ गए हैं, नानी के पास में बैठ गए हैं। मासी बुला रही थी अपने पास कि आ जाओ मेरे पास, यहाँ पे बैठो, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद में वो भी मिली हुई थी और यहाँ मैं बिजी थी ये रक्षा सूत्र और टीका लगाने में। सबके पूरे 1 ईयर बाद यहाँ पर आकर मैं मम्मी पापा से अपनी मिली थी। मेरा भी जल्दी कहीं किसी से मेल मिलाप नहीं हो पाता है, तो यहीं पे आके सब लोग मिलने थे। हम बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पर पंडित जी अब गृह प्रवेश की पूजा करवा रहे हैं, तो वहीं पर गेट बंद करवा के और सबसे पहले गेट पे ही पूजा करवा रहे थे। सब जगह का अलग अलग होता है, कहीं पर दूसरी टाइप का होता है और कहीं पे दूसरी विधि से कराई जाती है। तो यहाँ पर भाभी स्वास्तिक बना रही हैं गेट पे। हम लोग यहाँ बाहर खड़े होके हंसी मजाक और बातें चल रही थी और यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा था। और यहाँ पर एक कलश रखवाया पंडित जी ने और पूरे घर में इसको चक्कर लगवाया हुआ था। पूरे घर में ये कलश घुमाने आने के बाद में यहाँ पर वापस फिर से सत्यनारायण कथा की स्टार्टिंग होने लगी। और यहाँ फिर हम आके बीच में थोड़ा सा रील बनाए और थोड़ा सा आपको दिखाने की डेकोरेशन कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सब लोग मेरा मजाक भी बना रहे थे कि लो फिर से दूसरा गृह प्रवेश हो गया। अब यहाँ पर चूल्हा का पूजन हो रहा था। नए चूल्हे की पूजा की जाती है तो गैस चूल्हा पहले से यूज किया हुआ था, तो इसलिए भाभी ने इंडक्शन न्यू ले रखा हुआ था, तो वो रखा हुआ था तो उसी पे ही पूजा करवाया।
ये मैरून टी शर्ट में पापा बैठे हुए थे। हाँ इनको तो आप सभी जानते ही होंगे। यहाँ सभी मोबाइल ले लेके सब लोग जुट पड़े हुए हैं। बहुत कम ही हो पाता है कि हाँ सब ऐसे ही आपस में मिलना हो पाए। ये मेरे बड़े भैया हैं, मैं इनके बारे में क्या ही बताऊं आप लोगों को। नॉर्मली भाई बहनों में ऐसे चिढ़ाना रुलाना और ये सब बातें होती रहती हैं, लेकिन हम भाई बहनों में ऐसा कुछ नहीं है। ओनली सिर्फ और सिर्फ सम्मान का रिश्ता है। और मेरे बड़े भैया हमेशा मेरे पिता के रूप में अग्रणी भूमिका इन्होंने हमेशा निभाया है। एक दूसरे का हम लोगों में बहुत ही सम्मान रहता है। यहाँ पर भाभी की दीदी वो क्या आटे का वाला प्रसाद जो होता है पंजीरी, वो भून रही हुई हैं, क्योंकि पंडित जी ने, नहीं, ये आटे की पंजीरी वाला नहीं था, ये हलवा बनाया जा रहा था, तो पंडित जी ने बोला था हलवा बनाने को। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, सभी लोग परेशान थे, लेकिन बस यही था कि एसी चल रही थी तो अंदर नहीं पता चल रहा था, बाहर जैसे निकलना हो रहा था जैसे थपेड़े फेस पे पड़ रहे थे। हाँ यहाँ पर हवन होने लगा। मैंने सब भैया और भाभी के बाद में मैंने भी यही हवन किया हुआ था, लेकिन वीडियो नहीं बना पाए थे हम लोग। उसके बाद में बाकी सब लोग यहाँ पे हवन की आहुति दे रहे हैं। यहाँ पर मम्मी पापा भी पितरों के नाम की हवन की आहुति दिलवाया था पंडित जी ने। यहाँ पे अब आरती स्टार्ट हो गई। यहाँ पर मैं इनको बुला रही थी क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि अब आप आरती आप भी कर लीजिए। मैंने कैमरा फिर अपनी बहन को पकड़ाया और यहाँ हम लोग आरती के लिए आ गए हैं। अब यहाँ पर पापा और मम्मी आ गए हैं आरती के लिए। उसके बाद बारी बारी से सभी लोगों ने आरती किया।
ये मेरा छोटा भतीजा था, येलो टी शर्ट येलो कुर्ते में। बड़ा भतीजा अभी दिख नहीं रहा है कहीं पे। मेरी बहन है, इसको थोड़ी बीमार रहती है इसलिए खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए बैठ गई। फिर उसके बाद प्रसाद वितरण स्टार्ट हो गया, चरणामृत में सबको दे रही थी। ना मौसी को मैं चरणामृत दे रही थी, उन्होंने नहीं लिया क्योंकि रक्षा सूत्र उन्होंने नहीं बधाया हुआ था। यहाँ यहाँ पर पर एक मोबाइल भाभी पता की नहीं भैया किसके ने हाथ में भी था, इधर बोल से रहे उधर थे। उधर से इधर सब। उसके बाद फिर हम लोग आ गए सूट हो रहा नीचे, है, यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे। ये मेरी छोटी मासी की बेटी है, ये छोटा भाई और ये छोटी बहन। यही समय होता है जब एक दूसरे से मिलना होता है। बहुत मुझे खुशी हो रही थी, मैं शादी वगैरह में भी नहीं मुझे जाने का मौका मिल पाता है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा दूरी पे मैं ही बहनों में हूँ। और यहाँ उसके बाद में फिर यहाँ मौसी और सब लोग खूब गप्पे मारा गया, हम लोग बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने वीडियो बनाया, रील बनाई। और मेरा मन तो बस यही कर रहा था कि बस आज का दिन बस यहीं रुक जाए और दिन खूब लंबा हो जाए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।